हेलो इंडिया, आप सभी को फिर से स्वागत है दोस्तों आज के न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज का ये ब्लॉग नहीं है, एक छोटा सा वीडियो है। तो दोस्तों मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, एक लड़का है जो अपने आप को झारखंड का रहने वाला बता रहा है और अपना नाम बता रहा है दोस्तों मिथुन पंडित, और ये दावा कर रहा है कि दोस्तों ये मणि महेश कैलाश पर्वत के ऊपर की जो पूरा ऊंचा सबसे लास्ट वाला चोटी है उसके ऊपर तक ये चढ़ाऊ बोलकर दावा कर रहा है। और इसको पुष्टि भी अभी तक नहीं हो पाया है कि ये सही में गया है लास्ट तक या नहीं बोलकर। हालांकि मुझे भी पता नहीं है ये गया है या नहीं गया है, लेकिन मैं इस वीडियो में इसलिए डाल रहा हूँ कि दोस्तों किसी को तो पता होगा, मेरे ऑडियंस को या फिर कोई कोई भी इस वीडियो को देखेगा तो कोई भी तो बता सकता है कि ये है या नहीं। तो प्लीज जो भी है अपने राय प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और बताइएगा कि क्या ये सही वीडियो में जो बताया गया है ये सही है या फिर गलत। तो चलिए वीडियो को आगे देखिए और बताइए कमेंट में कि ये वीडियो सही है या नहीं। तो चलिए अब सीधा मैं आप लोगों का वीडियो चलाता हूँ बिना वक्त जाया करते हुए। जी मेरा नाम मिथुन पंडित है, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ और तकरीबन 1,00,000 रुपए खर्च करके मैं यहाँ पे आया हूँ। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये कैलाश है, मणि महेश कैलाश जिसे बोलते हैं, चांबा कैलाश के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे मैं अभी चढ़ाई कर रहा हूँ। फोग के कारण कुछ दिखाई नहीं दे पा रहा है, ये काफी खड़ी चढ़ाई है जिसे समझना देखना बहुत मुश्किल है, और मैं इसको ऊपर चढ़ रहा हूँ जहाँ पर आज तक किसी ने चढ़ाई नहीं कर सका है। मैं आधे से नीचे के लेयर तक तो आ चुका हूँ, जहाँ तक बोलते हैं कि यहाँ ये जो ब्लैक ब्लैक आप देख रहे हैं स्पॉट टाइप में जो नजर आ रहा है, ये यहाँ के बाद ऊपर आज तक किसी ने नहीं चढ़ा है। तो मैं इसे ऊपर जाने वाला क्या रीजन होती है जो नहीं चढ़ने की, ऑक्सीजन की कमी होती है कि क्या होता है, तो इस वजह से मैं चढ़ाई कर रहा हूँ। मेरे पास कोई सुविधा नहीं है, मैंने सिर्फ पानी की बोतल ली और खाना भी नहीं खा रखा है। हो सकता है मुझे शाम हो जाए, कल भी हो सकता है, मैं नाइट स्टे करने के लिए किसी भी प्रकार से सुविधा नहीं है। अब देखते हैं बाकी भोलेनाथ की मर्जी क्या मुझे बुलाता है नहीं बुलाता है। जी ओके जी, आगे की अपडेट मैं देता रहूंगा। यह वही जगह है जिसे लोग कहते हैं कि आज तक किसी ने यहाँ पर चढ़ नहीं पाया। मेरा नाम मिथुन है, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। आप देख सकते हैं कि इस पर मैंने आधी चढ़ाई कर रखी है। ये चांबा कैलाश है जिसपे कहते हैं आज तक किसी ने इस पर चढ़ने की हिम्मत नहीं हुई और ना किसी ने आज तक यहाँ पर चढ़ा है। पर यह संभव कैसे हो सकता है, जब किसी ने नहीं चढ़ा तो फिर मैं कैसे चढ़ गया। मैं देख लो आप, मैं बस थोड़ी ही दूर रह रहा हूँ जहाँ पे बोलते हैं शिव जी का मणि है ऊपर। आप वहाँ पे ये इस साइड पे ये जो चोटी आपको सामने दिख रही है यहीं पे शिव जी का मणि है जिसे मणि महेश कहते हैं। किसी ने यहाँ पे चढ़ तो नहीं पाया, आज तक किसी ने चढ़ा भी नहीं है। और जो इसकी लास्ट बॉर्डर बताते हैं, एक ब्लैक कलर की पट्टी जो दूर से नजर आती है कि वहाँ से ऊपर कोई भी जाने के बाद पत्थर बन जाता। हम भी देखते हैं कि क्या वाकई में लोग यहाँ पे पत्थर बनते हैं या नहीं, या भोलेनाथ है या कुछ लोगों ने कहानियां बना रखी हैं। अगर होगा तो कुछ ना कुछ मेरे साथ अनहोनी होगी। मैं अपनी मौत को अपने हाथ पे लेके आया हूँ, मर गया तो इससे अच्छी जगह कहीं नहीं है, जिंदा बचा तो भी इससे अच्छी जगह कहीं नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ से ये नीचे एकदम खड़ी चढ़ाई है, ये सामने जो है कमल कुंड है और सामने शिव कुंड है। बहुत बुरी तरीके से ये देख लीजिए खाई है, यहाँ से रास्ता तो दिख भी नहीं रहा, पर मैं जो हूँ इसी भी रास्ते से उतरने वाला हूँ। अगर इसमें से गलती से एक भी चट्टान मिस कर गया तो मेरा यहीं पे कब्र खुद जाएगा। अब देख सकते हो एक के ऊपर एक बस टिका हुआ है, कोने कोने से अलग अलग कर टिका हुआ। ये बस जो नीचे देख रहे थोड़ा बस वहाँ पे अगर हम पहुँच जाते हैं तो काफ़ी एरिया फिर हमें समतल सा मिल जाएगा नीचे जाने को, लेकिन मौसम भी ख़राब हो रहा है, मुझे जल्द से जल्द नीचे जाना पड़ेगा। यही है कैलाश, मणि महेश कैलाश जो आप देख सकते हैं। ये तकरीबन मुझे जहाँ तक लगता है 22,000 फुट की ऊंचाई पे है मणि महेश का कैलाश। ये आखिरी चोटी है, ये जिस जगह पर मैं बैठा हूँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे झंडा लगा हुआ है, और ये कैलाश की आखिरी चोटी है जहाँ पर लोग कहते थे कि किसी को भी चढ़ पाना नामुमकिन है। मैं इसके ऊपर चढ़ा हूँ, रास्ता नहीं है जी किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे, बहुत दिक्कत से सांस भी ले पा रहे हैं हम, और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में हम अपने मतलब मैं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में यहाँ पे आना बहुत खतरा है। पहला नंबर रास्ता नहीं है,
हर एक रास्ते पे पत्थरों का बम्बार है। आप देख सकते हैं कई जगहों पर, एक ये जो झंडा हमारे पास दिख रहा है, ये कैलाश की लास्ट चोटी जहाँ पर बोलते हैं कि भोलेनाथ यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ पे होता है मणि का दर्शन होता है, ठीक है। ये मैंने आखिरी चोटी तक आ चुका हूँ। बाकी क्या है, फॉग इतना ज़्यादा हो रहा है, मौसम इतना बुरा हो रखा है, बारिश भी कई बार आ गई, मेरे कपड़े कुछ गीले हो चुके हैं, गंदे भी काफ़ी हो गए हैं। मैं भी यहाँ से नीचे जाने वाला हूँ। मैं वैसे झारखंड के रहने वाला हूँ, मैंने भी सोचा कि आखिर क्या सत्य है, इस बात को जानने के लिए मैंने काफ़ी लोगों ने हजारों की संख्या मुझे मना किया कि यहाँ पर जाना खतरे से खाली। आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरीके से ये यहाँ से डायरेक्ट अगर गिरने के बाद इंसान का हड्डियाँ भी मिल पाना बहुत नामुमकिन होगा। जो नीचे मैं आपको दिखा रही आखिरी चोटी है, यहाँ के बाद कोई भी आगे के कोई रास्ता नहीं है, यह सबसे लास्ट है जिसे मणि महेश कैलाश बोलते हैं। यहीं से मणि का दर्शन होता है और मैं इसी जगह पर बैठा हूँ, उसी पे जहाँ पे मणि का दर्शन होता है। आप देख सकते हैं बस एक ऐसा है कि चेयर टाइप में बना है जिसमें कुछ सिंहासन है, जिसमें कुछ लोगों को बैठने जैसा है। हो सकता है भोलेनाथ का यहाँ पर प्रकोप है, और मैं मानता भी हूँ कि शिव जी हैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे साथ ऐसी घटनाएं हो चुकी है। मैं अब नीचे जा रहा हूँ क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है और बारिश हो रही है, मेरे पास और कुछ है नहीं एक्स्ट्रा, इसलिए जी धन्यवाद। मैं झारखंड का आया हूँ, आप देख सकते हैं मैं मिथुन पंडित झारखंड से। जय भोलेनाथ। बारिश होने लगी है तेज, मुझे घराटों की तरह तहत नीचे पानी के साथ ही उतरना पड़ेगा, वरना मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। जय भोलेनाथ। मेरी भी आस थी पर पता नहीं अगर पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं। बाकी आप देख सकते हैं बर्फ़ की कलियाँ गिर रही हैं यहाँ पे, बारिश नहीं है, बर्फ़ गिर रहे हैं, बर्फबारी हो रही है, बरसात पानी का नहीं है। ये मणि महेश की आखिरी चोटी पर मैं बैठा हूँ, जहाँ से आप देख सकते हैं लोगों का नाम था कि यहाँ कोई भी नहीं आया। चलो जी नीचे चलते हैं हम। देखिए गाइस, सूरज की किरणें निकलने शुरू हो गई हैं कैलाश के पीछे से, आप देख सकते हो। और लास्ट टाइम आया था मैं 2017 में, तो 2017 से मैं कंपेयर करूं कैलाश को तो भाई इस बार बर्फ बहुत कम है। जब लास्ट टाइम आए थे हम तो उस साइड भी पूरे बर्फ थी जहां पे कमल कुंड है, सो इस बार कह सकते हैं कि बर्फ जो है बहुत कम है। गाइस कीजिए दर्शन मणि के, जय भोलेनाथ। देखिए अभी थोड़ी